सो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो अभी हम कुछ ऐसी लोकेशन में आ गए हैं, जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना। सो मेरे साथ मेरा छोटा भाई आया है, ये देखो, हाई कर दे एक बार। हाँ, तो मैं आज का जो वीडियो है, मैं कुछ इस जगह में शूट करूँगा, जो कि आप देख रहे हो पीछे बाइक रखा हुआ है और इधर स्टैंड उन लगा हुआ है हमारा, और माइक भाई के हाथ में है। एंड सीधा चलते वीडियो में। सो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो अभी मैं आया हूँ मेरे बाइक लेके कुछ ऐसी लोकेशन में, जैसे कि आप लोगों ने पहले वीडियो देखा होगा। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना। सो आज का जो वीडियो है कुछ इस टॉपिक पर है कि मैंने RS 200 क्यों खरीदा। सो मैं अभी पूरी डिटेल में बताऊँगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो आज का जो वीडियो है वो मोटो ब्लॉगिंग नहीं है। सो आज का जो वीडियो है वो मैंने पल्सर RS 200 क्यों खरीदा। सो अगर सबसे पहले से बात करता हूँ, सबसे पहले मेरे मम्मी ने बोला है कि तू ग्लैमर या स्प्लेंडर ले ले। मेरा गाइस ड्रीम था कि मैं RS 200 ही लूँ। सो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मम्मी और पापा को मैंने समझाया कि ये मेरा ड्रीम है, तब थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए तो नहीं हुआ। मैं गरीब हूँ। फिर भी बात करते करते NS 200 तक, ठीक है चलो मैं NS 200 ही ले लेता हूँ। सो मेरा तो ड्रीम था RS, तो अभी तो घर में फैमिली प्रॉब्लम है, तो मम्मी पापा भी RS 200 के लिए मान भी नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, RS नहीं तो NS ही सही। सो मैं सुबह उठा और चले गया शोरूम में, जहाँ पर मेरे पास में ही वो मारुति का शोरूम है, वहाँ पर मेरे पापा काम करते हैं। सो सबसे पहले मैं उधर चला गया था मेरे मम्मी उम्मी सबको लेके, एंड सबसे पहले जाके देखा बाइक। सो NS 200 वो देखा। सो और मेरे साथ मेरे जीजू गए थे। सो उन्होंने बोला कि ये बाइक तेरे लायक नहीं है, ये तेरे हिसाब से बहुत छोटा बाइक है, एक काम कर तू RS ले ले। तो मेरे अंदर तो लड्डू फूटना शुरू हो गया है। तो उन्होंने मम्मी पापा से बात किया। सो उसके बाद मम्मी पापा बोले कि अच्छा देखो, आपको जो अच्छा लगे तो आप वही देखो। उसके बाद क्या हुआ कि RS 200 जो है वो शोरूम में सिर्फ एक ही था, वो वाइट कलर का था। तो वो वाइट कलर का तो हम गए कि बुक कर लेते हैं। सो हमने बाइक बुक कर लिया है। उसके बाद क्या हुआ कि और 3-4 दिन के बाद हम लोग फ़ोन किए कि हम बाइक लेने आए क्या। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों ने तो वाइट वाला दिया था, तो वाइट वाला तो अभी अवेलेबल नहीं है, पहले अवेलेबल था, वो अभी किसी और ने ले लिया है। हम लोगों ने बोला है कि कुछ और कलर है क्या, तो भैया ने बोला है कि हाँ है, ग्रे और ब्लैक में एक आता है, वो आप ले लो, अच्छा है। उन्होंने फ़ोटो दिया था मुझे, तो वो देख के तो अच्छा लगा है। सो फाइनली गाइस, हियर इज माय रानी। सो फाइनली अभी हमारे पास RS है। एंड जो वीडियो का टॉपिक है, मैंने RS क्यों लिया। सो गाइस, मेरे पास बहुत ऑप्शन था। मम्मी ने पहले बोला था कि स्प्लेंडर ग्लैमर ले लो, और मेरा सबसे पहले शौक था RS, तो शौक है, लेकिन उससे बड़ा है कि मैं एक बुलेट लूँ। सो बुलेट मैंने मम्मी को बोला था, तो मम्मी ने बताया कि बुलेट का साउंड बहुत ज़्यादा है, तो ये उनको अच्छा नहीं लगता। सो मम्मी आपका बात तो हम लोग नहीं टाल सकते। मम्मी को बोला कि मेरा ड्रीम है RS। सो गाइस, आज जो कुछ भी हूँ मैं इस मुकाम पे, वो इस RS की वजह से हूँ। अगर ये RS नहीं होता तो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं होता, और अगर यूट्यूब चैनल नहीं होता तो आप लोग कहाँ से आते। सो गाइस, आप लोगों को दिल से शुक्रिया, मेरे इस चैनल पर जुड़े हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो मुझे। सो इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मेरा ड्रीम बाइक था वो फाइनली पूरा हो चुका है। एंड गाइस, मैं बता रहा था कि, और आप लोग भी सोचोगे कि मैंने KTM क्यों नहीं लिया और R15 क्यों नहीं लिया। गाइस, सबका एक एक ड्रीम होता है ना कि वो अपना ड्रीम बाइक ले। आपका भी ड्रीम हो सकता है कि आप KTM लो या फिर R15 ही लो। मेरा गाइस ड्रीम था RS 200 का, जैसे कि आप समझ लो गाइस, इसके कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। सो गाइस, जो कि आप लोग सीटिंग पोजीशन देख सकते हो,
काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है, ऐसे झुकना नहीं पड़ता है, काफ़ी स्टेबल रहना पड़ता है, इतना अच्छा लगता है ये। और पीछे भी ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ठीक ठाक ही ऊंचा है। सो ये फैमिली बाइक है, आप लोग इजीली ये बाई कर सकते हो। सो ये वीडियो कोई प्रमोशन वोशन नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ मुझे ये अच्छा लगा है, सब कुछ इसका ठीक ठाक है। सो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर गाइस आप लोग RS 200 के लवर हो तो एक लाइक कर देना, और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर से ठोक दो या तोड़ दो, मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन फ़ोन मत तोड़ना, फ़ोन टूटना नहीं चाहिए वरना आप लोग मेरे वीडियो नहीं देख पाओगे। गजब टूबी आ जाती। आज का जो टॉपिक है हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्लो डाइव लॉन्ग लाइफ। आ जाओ गाइस, बूम।